हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू द डेली स्कैन इनिशिएटिव, जहां हम डेली कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है, वो है लैंड ब्रिज जो प्रपोज किया है थाईलैंड ने। ये लैंड ब्रिज मलक्का स्ट्रेट को ओवरकम करेगा और उसके बाईपास के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले यदि आप ये मलक्का स्ट्रेट को देखेंगे, तो ये मलक्का स्ट्रेट मलेशिया और सिंगापुर के बीच में दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। स्ट्रेट वो बॉडी होती है वाटर की, एक पतली सी नैरो वाटर बॉडी होती है जो दो वाटर बॉडी के को कनेक्ट करती है। तो यदि अपन ये मलक्का स्ट्रेट को देखें, तो इट कनेक्ट द आंदमान सी विद द साउथ चाइना सी, इन दोनों को कनेक्ट करता है। तो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का दुनिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट स्ट्रेट है, क्योंकि एक ह्यूज बल्क ऑफ ग्लोबल ट्रांसपोर्ट यहाँ से पास होता है सी का। इसीलिए थाईलैंड एक अल्टरनेटिव इसका पिच कर रहा है। तो यदि आप ये थाईलैंड की लोकेशन देखेंगे, तो इन द साउथ देयर इज अ पेनिनसुला, दिस वन, दिस इज अ पेनिनसुला। इनका प्रपोजल ऐसा है कि यहाँ पर दो पोर्ट्स डेवलप किए जाएंगे और उन दोनों पोर्ट्स के बीच में एक लैंड कनेक्टिविटी ब्रिज बनाया जाएगा। नाउ दैट लैंड कनेक्टिविटी ब्रिज और लैंड ब्रिज वुड हैव वेरी हाई ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी ऑफ ट्रेन्स, रेलवे लाइंस बहुत ही हाई स्पीड रहेंगी और रोडवेज भी डेवलप की जाएंगी, ताकि फ्राइट को बहुत जल्दी ट्रांसफर किया जा सके। मतलब कि इन शॉर्ट इट वुड बी अ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। मल्टी मॉडल क्यों? क्योंकि पहले पार्ट में सी होगा, देन देर वुड बी ट्रेन और रोड एंड देन अगेन सी, इसलिए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। तो अब इस लैंड ब्रिज के बारे में यदि बात करते हैं, तो एक लैंड ब्रिज बनाने के लिए क्या जरूरत होगी? सबसे पहले दो पोर्ट की जरूरत होगी, इन द ईस्ट कोस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ थाईलैंड दो पोर्ट बनेंगे, और वो भी हाई, यदि डीप वेसल्स हैं को कंटेनर को पास करने के लिए डीप पोर्ट्स बनने चाहिए, दैट इज नंबर वन थिंग। दोनों पोर्ट को कनेक्ट करने के बीच में बहुत हाई कनेक्टिविटी होनी चाहिए, दोनों के लिए इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्लोज टू 28 बिलियन वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है रिक्वायर्ड होगा। इस वजह से थाईलैंड बहुत सारी कंट्रीज को पिच कर रहा है। अभी माना जा रहा है यूएस को पिच करेगा, उसके बाद चाइना को, सऊदी को, सब कंट्रीज विद बिग पॉकेट्स को पिच करेगा। तो दिस इज द आइडिया। अब इसका टारगेट है कि 2030 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करा जाए और एक लिबरल स्पेंडिंग को प्रमोट कर रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स को माना जा रहा है कि 50% तक स्टेक देने के लिए परमिशन दे देगा। अब दिस इज द लोकेशन ऑफ थाईलैंड, सदर्न पेनिनसुला ऑफ थाईलैंड। यहां पर माना जा रहा है इन द आंदमान सी एक रानोंग इज द मोस्ट प्रोबेबल लोकेशन, एंड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट विच इज द गल्फ ऑफ थाईलैंड यहां पर आएगा, यहां पर चंपोन इज द मोस्ट प्रोबेबल लोकेशन। अब ये लोकेशन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार यूपीएससी ने, फॉर एग्जांपल यूपीएससी 2017 में क्या किया था, जो न्यूज़ थी सिटीज की, उनको मार्क कर दिया था एंड मैच विद द कंट्रीज। तो एक रफ आइडिया होना चाहिए, रानोंग एंड चैम्पोन, दीज आर द टू सिटीज, इन दोनों के बीच में एक कनेक्टिविटी लैंड ब्रिज बनाया जाएगा। दिस इज द लैंड ब्रिज जिसके लिए प्रोजेक्टेड है, एक रैंगोन और एक चैम्पोन, दिस इज द आइडिया। अब होगा क्या, इस लैंड ब्रिज से थाईलैंड की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। रीजन बिंग, सबसे पहले यदि आप साउथ ईस्ट इकोनॉमी, ईस्ट एशियन इकोनॉमी जो पर्टिकुलरली थाईलैंड मलेशिया है, इनको यदि आप देखेंगे, तो इनकी जो ग्रोथ रेट है वो 2-3% ऑन एन एवरेज की ग्रोथ रेट है। माना जा रहा है यदि ये प्रोजेक्ट एक्चुअली हो जाता है, तो फुल डेवलपमेंट के बाद अप टू 5-6, मतलब कि डबल द ग्रोथ हो जाएगी साउथ ईस्ट एशिया के लिए। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। क्यों ग्रोथ बढ़ेगी? बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होंगे, माना जा रहा है क्लोज टू 3 लाख जॉब क्रिएट होंगे। इसके अलावा कभी भी कोई अपनी टेरिटरी से पास करने देगा, तो उसे क्या मिलती है? रॉयल्टी, फ्राइट चार्जेस मिलेंगे, उस चार्जेस से एक बहुत सारे फंड मिलेंगे गवर्नमेंट को, जिसे वो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर एरियाज में स्पेंड कर सकता है। दैट इज द आइडिया। अब यदि आप इस प्रोजेक्ट को देखेंगे, तो कभी भी यदि एक मेजर दो सिटीज हैं उनके बीच में एक बहुत अच्छा
पैसेज वे हो जाए, चाहे वो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हो जाए, तो यहाँ पर क्या होता है, आसपास सारी की सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाती हैं। दिस इज इन जनरल अ रूल। ये इंडिया में भी आप देखोगे कि मेजर ट्रांसपोर्ट, जैसे ही रोड बढ़ती है किसी भी सिटी, जैसे मान लो ये सिटी है, तो सिटी नॉर्मली एक रोड के आसपास डेवलप करती है, एक रोड के आसपास ये ऐसे डेवलप कर गई। नाउ व्हाट हैपेंस, ऑल द सेटलमेंट्स एंड इन जनरल फैक्ट्रीज वुड स्टार्ट डेवलपिंग इन दिस वे। फिर ग्रेजुअली क्या होगा, यहां पर भी निकल आएगा। तो इस तरीके से सिटी अलग अलग पाथवे में डेवलप होने लग जाती है। तो इस पाथ के अराउंड आप देखोगे हमेशा रेट ज्यादा डेवलप होती है। ऐसा ही माना जा रहा है जब ये लैंड ब्रिज होगा, तो ये जो दो पोर्ट अपन ने देखा इन द आंदमान सी एंड इन द गल्फ ऑफ थाईलैंड, दोनों में होगा क्या, वो एक मेजर इंडस्ट्रियल एरिया बन जाएगा। इससे थाईलैंड की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। ये इसको इस तरीके से डेवलप करने का प्लान बना रहे हैं कि जो मलक्का स्ट्रेट है उसका लिटिल लेस देन अ क्वार्टर, 25% से थोड़ा कम कार्गो को ये अकोमोडेट कर सके। दैट इज द यूटिलिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अब इसमें सबसे पहली बात यदि अपन पॉजिटिव्स देखते हैं, तो ट्रैवल टाइम मिडिल ईस्ट से लेकर फार ईस्ट यानी कि जापान चाइना टेरिटरी में ये 4 दिन तक का ट्रैवल टाइम कम कर देगा। ट्रैवल टाइम कम करेगा तो डेफिनेटली कॉस्ट कम होगी, फ्लाइट की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। साथ ही साथ एक सबसे बड़ा इशू जो आता है स्ट्रेट में, वो आता है कंजेशन। क्योंकि जैसे यदि आपको याद होगा तो स्वेज कैनल में लास्ट ईयर क्या हुआ था, एक एवर गिवन नाम की शिप जो थी, बड़ा सा कार्गो कंटेनर था, वो फंस गया था। इसके फंसने की वजह से सारी कंट्रीज को बहुत एक्सट्रीम डैमेज हुआ था, क्योंकि पूरा का पूरा फ्लाइट डिले हो गया था। इसकी वजह से इंश्योरेंस चार्जेस पील अप हो गए थे, ट्रैवल टाइम बढ़ गया, उससे एसोसिएटेड स्पिल इन द इकोनॉमी वो सब कुछ बढ़ते गया। तो ये जो होते हैं सारे के सारे स्ट्रेट्स बहुत नैरो होते हैं, तो ये एक तरीके से चोक पॉइंट होते हैं। यदि इनमें कभी भी ब्लॉकेज हो जाए तो इकोनॉमी जो उनके आसपास डिपेंडेंट रहती है वो बहुत सीवियरली इंपैक्ट करती है। और ऐसा है कि मलक्का स्ट्रेट अभी ही ऑलरेडी वन ऑफ द बिजिएस्ट है, और यदि अपन आसपास देखें मलक्का स्ट्रेट के, तो चाइना सीवियरली डिपेंडेंट है, एशियन कंट्रीज डिपेंडेंट है, इंडिया का सारा और मिडिल ईस्ट का जो सारा यूएस तक जाता है और फार ईस्ट में जाता है, ये सब इसी पाथवे से जाता है। तो ये सारी इकोनॉमी यदि ग्रो करती है तो मलक्का स्ट्रेट का ट्रैफिक बहुत हद तक बढ़ेगा। और इस तक माना जा रहा है कि कुछ सालों में, आने वाले कुछ सालों में, जो मलक्का स्ट्रेट की कैपेसिटी से ज्यादा बढ़ जाएगा ट्रैफिक, तो होगा क्या, उस सिचुएशन में ब्लॉकेज बढ़ जाएगी, दैट वुड बी अ सीवियर प्रॉब्लम। तो एक अल्टरनेट टू द मलक्का स्ट्रेट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द ग्लोबल फ्राइट इंडस्ट्री। ठीक है, और इसी से रिलेटेड आता है सेफर रूट। अभी तो पायरेसी के इंसिडेंट्स कम हो गए हैं, बट एक जमाना था जब इस रूट में पायरेसी काफी ज्यादा थी। इनफैक्ट यदि आप लास्ट रिपोर्ट देखोगे यूएन की, वो बोलता है कि अक्रॉस द कोस्ट ऑफ सोमालिया पायरेसी के इंसिडेंट्स कम हुए हैं। हालांकि ओवरऑल अभी भी सोमालिया के आसपास रीजन ज्यादा है पायरेसी में, बट इन एरियाज में, इन द साउथ ईस्ट एशियन बेल्ट, यहां पर पायरेसी के इंसिडेंट्स बढ़े हैं। तो इसलिए एक अल्टरनेटिव रूट करना हमेशा फायदेमंद रहेगा। एंड फाइनली कॉस्ट जो मानी जा रही है इस पूरे में 15% से ज्यादा कम हो जाएगी, तो पूरी की पूरी आसपास नेबरिंग कंट्रीज एंड फ्राइट इंडस्ट्री को बेनिफिट करेगा। अब थोड़ा सा अपन बात करते हैं मलक्का स्ट्रेट के बारे में, क्योंकि अपन ने देखा ये मलेशिया और सिंगापुर के बीच में पास होता है, अंडमान सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड को कनेक्ट करता है, और इट इज द शॉर्टेस्ट सी रूट, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। यदि आपको मिडिल ईस्ट से ईस्ट एशिया जाना है तो शॉर्टेस्ट रूट यही रहेगा। मिडिल ईस्ट देख लेंगे तो इसमें इंडिया भी यदि अपन देखेंगे, तो इंडिया टू फार ईस्ट जाना है, जापान जाना है, तो शॉर्टेस्ट पार्ट वुड बी मलक्का स्ट्रेट। इसीलिए इस स्ट्रेट का इतना ज्यादा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। ओवर 25% ऑफ द ग्लोबल गुड्स जो होते हैं वो यहाँ से पास होते हैं, एंड लगभग हर साल मैराइन एक्सीडेंट,
मोर देन 50 आर रिपोर्टेड, इतना इंसिडेंट है। इनफैक्ट यदि अपन इसी को और ज्यादा डिकोड करें फॉर अदर कंट्रीज एंड स्पेसिफिकली अपन आगे देखेंगे कि इसका इंडिया और चाइना के लिए क्या रिलेवेंस है, जब अपन इस बात को समझते हैं तो मलक्का स्ट्रेट का रिलेवेंस और ज्यादा हमें अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि यदि अपन इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अभी जितने भी इंडिया यूएस की मीट हो रही है, क्वाड की बात कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक हैज बिकम अ न्यू जियो पॉलिटिकल थिएटर, तो इस थिएटर का जो सेंटर पॉइंट है वो है मलक्का स्ट्रेट, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। कहीं पर भी अपन को चाइना को ब्लॉक करना है, उसका वीकनेस है जो चाइना की, वो है मलक्का स्ट्रेट। इसलिए क्योंकि चाइना का जो 80% जो ऑयल है वो इसी से पास आउट होता है, तो यदि इस पॉइंट पर अपन ने चाइनीज गुड को एक दिन के लिए भी रोक दिया तो चाइना की इकोनॉमी सीवियरली इन ट्रबल। ठीक है, इसके बाद और सारे पॉइंट्स इज अंडरस्टूड, लेकिन इसी स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू इंडिया यदि अपन रिलेवेंस ऑफ मलक्का स्ट्रेट की बात करते हैं, तो एक पॉइंट अपन ने ऑलरेडी देख लिया कि इंडिया टू फार ईस्ट जाने में शॉर्टेस्ट पाथ यही रहेगा। इनफैक्ट आप देखोगे एशियान इंडिया की पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उस पॉलिसी के अंतर्गत यदि इंडिया को ईस्ट में फोकस करना है, एशियान में सेंटर स्टेज रहकर, तो दो रूट हैं। नंबर वन इज द शिपिंग रूट, जिसमें जाने का केवल और केवल मलक्का स्ट्रेट है, और दूसरा आईएमटी हाईवे बन रहा है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, लेकिन ये अभी तक बना नहीं है। तो राइट नाउ इंडिया को ईस्ट में जाने के लिए केवल और केवल मलक्का स्ट्रेट ही है। साथ ही साथ अपन ने बात किया चाइना के, तो चाइना वल्नरेबल है इस पॉइंट पर, तो यदि चाइना वल्नरेबल है और हमारी और चाइना की डिस्प्यूट होती है, तो क्या हम लाइक माइंडेड नेशंस को चाइना के अगेंस्ट यूज करके उसकी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर सकते हैं? इंटरनेशनली डिफिकल्ट है, बट एक प्रेशर पॉइंट चाइना के ऊपर बनाया जा सकता है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में सारे ऑप्शंस हमें खुले रखने चाहिए। इसी में यदि अपन चाइना की बात करते हैं, तो एक पर्टिकुलर टर्म है, वो है मलक्का डिलेमा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है कि साउथ चाइना सी में एक बहुत बड़ी डिस्प्यूट चल रही है, चाइना वर्सेस एशियन कंट्रीज। इसमें दोनों के दोनों कंट्रीज मेजर पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी का क्लेम करते हैं। अब चाइना इज इन्वॉल्व्ड इन अ कंफ्लिक्ट विथ मेनी एशियन कंट्रीज साउथ चाइना सी में, इसीलिए थोड़ा सा फ्रिक्शन हमेशा लगता है। इसी में और अपन देखते हैं, तो ये ऑलरेडी अपन ने देख लिया चाइना का जो इंपोर्ट है 80% ऑयल यहाँ पर डिपेंडेंट है, और जो सी लाइन्स ऑफ ग्लोबल सी लाइन्स जो रहती हैं, सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जहां से ट्रेड रूट पास करता है, वो सारी की सारी क्या रहेंगी, इसी रूट से पास करती है। देयरफॉर इस रूट में यदि कुछ भी गड़बड़ होती है तो इन पूरा का पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पूरी इकोनॉमी खत्म हो जाती है। इसीलिए चाइना रिगार्डिंग द मलक्का स्ट्रेट एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी में है, और इस चीज को बोला जाता है मलक्का डिलेमा। तो ये होता क्या है, सबसे पहली बार अपन बात करते हैं, तो सबसे पहली बार 2003 में चाइनीज प्रेसिडेंट ने ये टर्म कॉइन किया था। उन्होंने ये कहा था कि यदि हमारा इंपोर्ट मलक्का स्ट्रेट से ब्लॉक हो जाता है तो चाइना की इकोनॉमी पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। दैट इज व्हाट इट हैज बीन सेड, यदि ऑयल इंपोर्ट को चोक कर देते हैं तो चाइना का ग्रोथ पूरी तरीके से रुक जाएगा। इनफैक्ट एक एस्टिमेट बोलता है कि क्लोज टू 200 प्लस बिलियन डॉलर्स का चाइनीज इकोनॉमी को नुकसान होगा हर साल यदि चाइना को इस पाथ की जगह दूसरे पाथ्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज वन मेजर इनफैक्ट। इसलिए इतनी वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करने के नाम से चाइना बहुत सारे अल्टरनेटिव पाथ्स भी एक्सप्लोर कर रहा है, जिसके उसकी वल्नरेबिलिटी को कम हो जाएगी। वन ऑफ देम इज जो पाकिस्तान से पास आउट होता है, ठीक है, यहां पे बनाया गया है ग्वादार पोर्ट, और ग्वादार पोर्ट से हाईवे के थ्रू
कनेक्ट होके काराकोरम रेंज से पास होते हुए एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो क्लोज टू 51 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया है चाइना ने पाकिस्तान में, उससे पास आउट होकर चाइना तक ये होगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस उसका ये है कि इट वुड बाईपास, उसमें क्या होगा, मिडिल ईस्ट से जाने की डायरेक्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान से लैंड रूट लेकर चाइना पहुंच जाएगा, तो मलक्का स्ट्रेट का दुविधा खत्म हो गई। तो दिस इज द फर्स्ट जो लैंड रूट चाइना ने एक्सप्लोर किया है। इसके अलावा चाइना ने और अलग सी रूट्स को भी एक्सप्लोर किया है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, यहां पर है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यहां से ना जाके एक रास्ता है कि इंडोनेशियन आइलैंड्स के बीच में जितने भी स्ट्रेट्स हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए। नंबर वन इज द सुंदा स्ट्रेट, ये एक्सप्लोर किया जा सकता है। सो दिस विल फाइनली कनेक्ट टू द जावा सी, ठीक है। और इधर भी लॉम्बॉक स्ट्रेट है, ये सारे के सारे स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इधर जाएंगे तो वी विल अगेन हैव द मकासर स्ट्रेट, ये तीन स्ट्रेट के थ्रू जाया जा सकता है। लेकिन सारे के सारे में कुछ प्रॉब्लम है। सबसे पहला तो बहुत ऑब्वियस है कि कैन यू सी दैट, यदि यहां से जाते हैं तो द डिस्टेंस टू चाइना गेट्स ग्रेटली इंक्रीज्ड, ये तीनों में बढ़ जाता है। सुंदा में थोड़ा सा कम बढ़ेगा, लेकिन सुंदा स्ट्रेट के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो शैलो डेप्थ का है। यदि शैलो डेप्थ का है तो होगा क्या कि जो बड़े कंटेनर हैं वो इससे पास नहीं हो पाएंगे। दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम दैट लाइज विद इट। तो जितने भी अल्टरनेटिव्स चाइना ने एक्सप्लोर किए हैं वो अभी तक सूटेबली नहीं चाइना की प्रॉब्लम को और मलक्का डिलेमा को सॉल्व कर पाए हैं, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक 2022 में यूपीएससी का क्वेश्चन था, मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट्स एंड इस्थेमस इन द इंटरनेशनल ट्रीटी, इन द इंटरनेशनल ट्रेड। तो होता क्या है कि यदि दो वाटर बॉडीज को, नाउ दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करें, दिस इज वाटर एंड दिस इज वाटर, यदि एक वाटर बॉडी दोनों को कनेक्ट करी देन दिस इज नोन एज आ स्ट्रेट। हाउएवर इफ द टू वाटर बॉडीज आर कनेक्टेड बाई लैंड देन दिस इज नोन एज इस्थमस। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी आउट, तो दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज साउथ अमेरिका। यहां पर पनामा है, ये थोड़ा सा बहुत पतला सा है, इसको छोटा सा लैंड है जो इधर पैसिफिक और इधर अटलांटिक दोनों के बीच में कनेक्ट करता है। दिस इज नोन एज इस्थमस ऑफ पनामा। लैंड ब्रिज है जो दोनों को कनेक्ट करता है। सो द टू वाटर बॉडीज आर पैसिफिक एंड अटलांटिक, दे आर कनेक्टेड बाय द पनामा इस्थमस। और स्ट्रेट तो अपन ने बहुत सारे देख ही लिए। सो दिस इज स्ट्रेट्स एंड इस्थमस। अब ऐसे जब भी क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, तो बिकॉज द टर्म्स इस्थमस एंड स्ट्रेट्स थोड़े से टेक्निकल टर्म है, तो द बेटर आइडिया ऑफ स्टार्टिंग दिस वुड बी डिफाइनिंग ईच ऑफ द टर्म। इनको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट डिफाइनिंग स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है, एक नैरो पैसेज वाटर बॉडी जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट, ब्रॉडर वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। यू कैन ड्रॉ द एग्जाम्पल, और जैसे मैं जब मेंस लिख रहा था इस क्वेश्चन को, मैंने अटेम्प्ट किया था, आई हैड ड्रॉन अ वर्ल्ड मैप जिसमें मैं इम्पोर्टेंट स्ट्रेट्स को और इस्थमस को मार्क कर दिया था और मैंने लिखा था। तो यू कैन स्टार्ट बाय डिफाइनिंग स्ट्रेट, यू कैन स्टार्ट बाय डिफाइनिंग इस्थमस। एक मैप बना दिया जिसमें इंपॉर्टेंट इस्थमस एंड स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड को मार्क कर दिया। देन यदि इंपॉर्टेंस देखा जाए तो सिंपल सी बात है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कम करता है। एक दो एग्जाम्पल दे दिए, मैप के थ्रू समझा दिए कि जैसे स्वेज कैनल है वो डिस्टेंस को बहुत कम कर दिया बिटवीन यूरोप एंड इंडिया, जबकि पहले केप ऑफ गुड होप से अफ्रीका के नीचे से घूम के आना पड़ता है। यदि डिस्टेंस कम किया तो फ्यूल की रिक्वायरमेंट कम होगी, तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो गया, दैट इज वन थिंग। इसी के बाद अपन ने ऑलरेडी देखा है कि कभी भी स्ट्रेट्स होते हैं, चोक पॉइंट्स होते हैं, तो उनके अक्रॉस पोर्ट्स डेवलप होते हैं। एक क्लासिक एग्जाम्पल है सिंगापुर, इसे पोर्ट ऑफ कॉल की तरह डेवलप किया गया। जैसे
फॉर एग्जाम्पल एक शिप जो है, एक कंटेनर जो है लंबा रास्ता डेवलप कर रहा है, तो उसे फ्यूलिंग के लिए, उसे पेट्रोल, फूड, बाकी सब चीज़ों के लिए गैप लेना पड़ेगा। तो पोर्ट ऑफ कॉल वो इंटरनेशनल या पोर्ट्स होते हैं ऐसे जो ये सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। दैट इज़ वन। इकोनॉमिक हब्स के रूप में डेवलप होते हैं, अपन ने एक एग्जांपल देखा कि थाईलैंड का हो गया तो कैसे डेवलप किया जा सकता है। कॉरिडोर्स कुड बी डेवलप्ड, प्रमोट इन्वायरमेंट फ्रेंडली अपन ने देख लिया। देन स्ट्रैटेजिक लोकेशंस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हॉर्मोस स्ट्रेट है जो ब्लैक सी को कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी से। इस स्ट्रेट के आसपास आप देखोगे जितनी भी कंट्रीज हैं उन्होंने अपने नेवल पोर्ट्स डेवलप कर लिए हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें और ज़्यादा इनोवेटिविटी यूज़ कर सकते हो इफ यू कैन ड्रॉ दैट कि जैसे सारे के सारे स्ट्रेट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं। तो जब मैंने लिखा था, मैंने इस डायग्राम को ड्रॉ किया था। अब हो सकता है कि यू माइट नॉट रिमेम्बर एग्जैक्टली दीज नंबर्स, इतने मिलियन बैरल टन्स ऑफ ऑयल यहाँ से पास होते हैं, तो इट इज़ पॉसिबल आपको नंबर नहीं याद हो। तो ऐसे सब में आप बस थीमेटिक यूज करके, फॉर एग्जाम्पल ये छोटा है, इससे दिखा देते हो कि इनमें ऑयल पैसेज कम है, यहाँ बड़ा है, दिस मीन्स दैट ज्यादा ऑयल पैसेज होता है। तो यू कैन राइट देयर स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ द चोक पॉइंट्स डिनोटेड बाय द साइज ऑफ द सर्कल इन द स्ट्रेट। इस तरीके से लिख के यू कैन राइट द आंसर। ये कुछ ब्राउनी पॉइंट्स आपको आंसर में एक या दो ज्यादा लेने में हेल्प करते हैं। एंड दैट इज ऑल अबाउट मेंस। मेंस और इंटरव्यू के कॉल में कुछ नंबर का ही डिफरेंस रहता है, जीएस की यदि आप बात करें तो। और वो इस तरीके के ब्राउनी पॉइंट्स, थोड़े से इनोवेटिव आंसर्स लिख के अपन सिक्योर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ दिस टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।